तुम्हारी वजह से मेरा घर बल्कि मेरी जिंदगी खराब हो रही है। ये नवीद क्यों आया था? जी पता नहीं। अच्छा आदमी नहीं है। अफसोस तो ये कि मुझे इसे पहचानने में देर हो गई। महफिज से वो ये कह रही थी कि वो आपके दिल में मेरे लिए शक पैदा कर चुकी और आप बहुत जल्दी मुझे तलाक दे दी, और ये भी कि उसके बाद की सारी प्रॉपर्टी बिजनेस सब महफिज का हो जाएगा और फिर वो आपको अपने रास्ते से हटा देगी। पूरे 10 लाख, बाकी 40 लाख एहसन और कश्यप की तलाक के बाद। तलाक? ये शर्त तो आपने पहले नहीं रखी। बात हमारी सिर्फ रिश्ते खराब करने की हुई थी ना। मैं खुद भी ये काम कई बार पहले कर चुकी हूँ, लेकिन वो उस रोती धोती कश्यप को दोबारा अपनी जिंदगी में ले आता है। 40 लाख तुम्हें तलाक के बाद मिलेंगे। गिनना चाहती? गिनती आती है तुम्हें? ऐसे मामलों में मैं गिनती से नहीं, इतमाद से काम लेती हूँ। तो तुम्हारा कजन नवीद आ गया क्या? बिल्कुल, बल्कि उसने तो अपना काम भी शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कोई 10 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे इस काम में। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं खुद भी इस खेल से बहुत उकता गई हूँ। और हाँ, तुम्हारी आसानी के लिए तुम्हें बता दूँ कि आजकल ऐसन और कश्यप में बदगुमानी चल रही है। लोहा गर्म, तुम्हें सिर्फ चोट लगानी। शुक्रिया, तो बड़ी अच्छी खबर है। शदीद नफरत है मुझे कश्यप से। मैं नहीं जानती, आई मीन शायद मुझसे ज्यादा खूबसूरत है या नहीं, ज्यादा पढ़ी लिखी है। बहुत नफरत करती हूँ मैं मुझसे। उसे बर्बाद देख के ना बहुत खुशी मिलती है मुझे। और रही बात एहसन की, आप ऐसा क्यों नहीं करती, एक किराए का कातिल ढूंढ लें, पैसे देख के जान छुड़ा लें। गैर तबीयी मौत की सूरत में उसके सारे शेयर्स किसी फलाही इदारे को चले जाएंगे और हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। अब्बू, मुझे माफ कर दो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा है मैं खुशी के मारे मर जाऊंगी। अब्बू बेटा, माफ तो तुम मुझे कर दो, मैं गुनाहगार हूं तुम्हारा। नहीं अब्बू, प्लीज ऐसे कुछ ना कहे। अब्बू तुम यहां कैसे आई हो? कैसे कदम रखा तुमने इस घर में? किसने बुलाया तुम्हें? मैंने। तुमने? तुम होती कौन हो इसे यहां बुलाने वाली, वो भी मेरी जात के बगैर? इसको जिसने जो आपकी कुछ लगती है बहन है, बेटी है वो इस घर की, पर इन दोनों रिश्तों में उसे सिवाय तकलीफ, अज़ियत और दुख के और कुछ भी नहीं मिला। क्या गलती है इसकी? यही कमजोर है वो? कभी आपका या बाप का गरीबान पकड़ के ये नहीं पूछा उसने कि क्या गुनाह किया है उसने? आखिर क्या गलती है इसकी? ये तुम कह रही हो फौजिया, जो इस घर में इसकी सबसे बड़ी दुश्मन है? फौजिया खुदा के लिए मुनाफकत की उस हद को मत छुओ जिससे सब मुनाफिक शर्मा जाएं। शर्म तो आपको आनी चाहिए आमिर, अपने बिस्तर पे पड़े हुए बाप के एहसासात को समझने के बजाय आप उन्हें तकलीफ दे रहे, दुख दे रहे हैं आप। तुम इतनी हमदर्द कब से हो गई, वो भी मेरे करीबी रिश्तों की जिनसे तुम सारी जिंदगी नफरत करती रही हो। आमिर बेटा बस कर। फौजिया थोड़ी सी जज्बाती हो गई है बस। मैं जज्बाती हो रही हूँ? ये सारी उम्र आपने अपने जज्बात को बर्फ तले सुराए रखा, कभी अपने औलाद में इंसाफ नहीं कर सकी आप। ये सब आपकी भी कमजोरी थी जिसने बाप बेटों को शह दी कि वो कशव के साथ नाइंसाफी करते जाएं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या मकसद है तुम्हारी सारी झूठी और डिप्लोमेटिक बकवास का। आप ये तस्लीम कर लें कि कश्यप भी इस घर की बेटी है, इसका भी इस घर पे उतना ही हक है जितना आपका है। ये तो तय है फौजिया, ये सारी बातें
किसी गहरी साजिश और चाल के लिए की गई है, लेकिन मैं इन जज्बाती तकरीरों में आने वाला नहीं हूं। चलो निकलो तुम यहां से। जो चीज एक बार तय हो गई उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। निकलो तुम यहां से। आमिर भाई प्लीज, मैं यहां सिर्फ अब्बू को देखने के लिए आई, सिर्फ अब्बू और अम्मी के लिए आई। और तो क्या हम मर गए हैं जो तुम्हारे जैसी लड़की हमारे माँ बाप की देखभाल करेगी? तुम्हारे पास एक मिनट है, उससे पहले खुद यहां से निकल जाओ, वरना तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो। अरे भाई प्लीज, आप ये मत समझना कशफ तुम कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। वक्त गुजरने के साथ मेरी गैरत पर मट्टी पड़ गई है। भाई मुझे सिर्फ अब्बू से मिलने दे, फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तुम कहीं नहीं जाओगी कशफ, तुम यहीं रहोगी मामू जान के पास, उनको अभी तुम्हारी जरूरत है। यहीं बैठी रहो तुम। फौजिया तुम, मैं कशफ नहीं हूं। हाँ बे, खुदा का वास्ता मैं बिन्नत करता हूँ, इसे यहाँ से ना निकालो, इसे मेरे पास रहने दो, इसे मत निकालो। Mom, you know what? I have a big news for you. पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अरे भाई, किस बात की मुबारकबाद? क्या जीशान की कोई लॉटरी निकल आई है या फिर कोई प्राइज बॉन्ड? जीशान की लॉटरी? Mom, he's not that lucky. उसे तो जो भी मिल रहा है मेरे नसीब का मिल रहा है, और फिर भी मुझे ये आंखें दिखाता है। Loser. Anyways, Mom, खुशखबरी ये है कि हमारे रास्ते का कांटा खुद ही निकल गया है। यस, कश्यप ये घर छोड़ के चली गई है, और उसने खुद कहा है कि वो कभी वापस नहीं आएगी। कैसी न्यूज़ है? अच्छी खबर है मेरी जान, लेकिन इस अधूरी पता का जश्न मनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा दीवाना जुनूनी भाई ना किसी भी वक्त दोबारा उसके इश्क में मुब्तला हो सकता है और उसको घर वापस ला सकता है। जब तक इन दोनों की तलाक का काम पूरा नहीं हो जाता ना, ये छोटी मोटी न्यूज का कोई मानी नहीं। मॉम कभी तो खुश हो जाया करें। अच्छा, मुझे अब आपसे बहुत सारे गिफ्ट चाहिए और एक मजे की चीज चाहिए, ओके? हाँ हाँ, ले लेना। मैंने कभी तुम्हें मना किया है कोई चीज लेने से? हाँ, चलो ऐसा करते हैं कि आज रात तुम्हारी पसंद के रेस्टोरेंट में डिनर करें, ओके? लव यू, खुदा हाफिज। लव यू मॉम, यू आर ग्रेट, बाय। सीशान, सीशान आई स्वेयर, मैं तो मॉम से ये कह रही थी कि हमें अलग घर लेके दें, यू नो। मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है। मेरी बात सुनो जीशान, प्लीज जीशान, लिसन टू मी, यू नो आई लव यू जीशान, डोंट डू दिस टू मी, प्लीज डोंट गो जीशान, प्लीज। मैं अब आ गई हूँ ना, देखना भूल, अब आप फौरन ठीक हो जाएंगे। नहीं, मैं ये सब क्यों करता रहा? क्यों भूल गया कि बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है, बेटी तो रब्बे कायनात का सबसे हसीन तोहफा होता है। अब्बू, अब भी आपकी सारी बातें ना सोची, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हादसे, ये बीमारियां, ये माजूरियां दरअसल एक ठोकर होती है, एक वक्फा होती है, इसमें रुक के इंसान बहुत कुछ सोचता है। मैंने भी साल में पहुंच के इस बिस्तर पे लेट के बहुत सोचा।
सब कुछ सोचता रहा जो मैंने अपनी जिंदगी की बेकार ला हासिल बेमसरफ मसरूफियात में कभी सोचा ही नहीं था। प्लीज, मैंने कहा ना आप अभी कुछ ना सोचे, जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी ना तो हम ढेर सारी बातें करेंगे। पता है कृष्ण, मुझे एहसास हुआ कि जब तुम इस घर में थी तो अल्लाह की सारी रहमतें, सारी नेमतें, सारी बरकतें हासिल थी, लेकिन बस मैं ही नहीं मानता रहा, मैं ही चीखता रहा, ठोकरे मारता रहा, अपने रब को नाराज करता रहा। और जब मेरी जिद की वजह से, मेरी ख्वाहिश में तुम इस घर से चली गई ना, तो सब बरकतें, सब नेमतें, सब इनायतें उठ गईं। मेरी सेहत, मेरी अकड़, मेरी अना, मेरा गुरूर सब मिट्टी में उड़ गई। नहीं अब्बू, आजमाइश भी तो होती है ना। हाँ, हाँ, सब्र करने वालों के लिए आजमाइश होती है और मुझ जैसे लोगों के लिए सजा होती है, इबरत होती है। मगर मैं खुश हूं, अब मुझे लगा है कि मेरा अल्लाह, मेरा रब मुझसे मुकम्मल तौर पर नाराज नहीं है। तुम आ गई हो ना, तुझे तौबा का, अस्तग़फ़ार का, तलाफी का एक मौका और मिलेगा। तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो नहीं ना बेटा, तुमसे नाराज तो नहीं होगा? नहीं अबू, कभी भी नहीं। अबू, मैं आपसे कभी नाराज नहीं थी। आशा, ये अपने अब्बू को सूप पिलाओ बेटा, उनको अभी दवा भी खानी है ना। जी लाओ, ये मैं रख देती हूँ। छोड़ो, दफा करो, बिल्कुल एबनॉर्मल है, एकदम पागल। कम ऑन मॉम, ये क्या कह रही हैं आप? फिर मैं ऐसे में क्या करूं मैं विश? अब जीशान पागल नहीं है, फॉर गॉड सेक। तो फिर तुम पागल हो मॉम। शादी के बाद से तुम जिस तरह मुसलसल उसके साथ ऑब्सेस रह रही हो, वो तुम्हें जूती की नोक पे रखता है, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। गलती मेरी है मॉम, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था जो मैं कह गई। गलती तुम्हारी नहीं है महविश, तुमने जो कुछ बोला बिल्कुल ठीक बोला, गलत वो कर रहा है। एक ही बात बार बार दोहराने का क्या मतलब होता है महविश? मैं समझी नहीं। छोटी छोटी बात पर वो तुमको छोड़कर चला जाता है, शादी से लेके अब तक वो तुम्हारे साथ यही कर रहा है, फिर भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा हो। वो मुझे धोखा क्यों देगा? वो तुम्हें धोखा क्यों नहीं दे सकता? वो सिर्फ उस मुनासिब मौके की तलाश में जब वो तुमसे पूरा फायदा उठा के एक दिन किसी ना किसी छोटी बात पे नाराजगी जाहिर करके हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। वेश, जान जिशान जैसे लड़के भरोसा करने के काबिल नहीं होते, तुम ही उसकी मोहब्बत में पागल हो रही हो। He's got no respect for you. वो तुम्हारे लिए केयर नहीं करता। मेरी बात गौर से सुनो और बात समझने की कोशिश करो। He's not being fair to you. Husbands ऐसा नहीं करते। Sorry, वो तुम यहां?
कशफ, मैं तो बहुत देर से यहाँ खड़ा हूँ लेकिन तुम मुझे मेरी तरफ देखते ही नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कितने दिन से तुम्हारे घर पे हूँ, तुम्हारी नजर ही नहीं पड़ती मुझे। खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, तुम्हें शोर मचा दूंगी। अच्छा, शोर मचा दोगी तो फिर क्या होगा? वो होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। मुझे अब कमजोर मत समझना, पहले वाली कशफ नहीं रही अब मैं। कशफ? खैरियत? हेलो, नहीं, मैं इसे क्यों फोन करूं? हमेशा मैं ही झुकती हूँ। अगर उसे मेरा जरा भी ख्याल होता, उसे मोहब्बत होती तो वो भी मेरा ख्याल करता। मम्मी ठीक कह रही थी, सीशान का ये रातों को गायब होना, उसका बदला हुआ रवैया, मैंने पहले क्यों नहीं गौर किया इस बात पे? ये कहा है उसने आपसे? ये? अरे फौजी, तुम बात को समझने की कोशिश कर रहे हो। मैं बात को नहीं समझती, आप क्यों उसकी जबान बोल रहे हैं? उसकी हमदर्दी में इतने पागल हो गए आप कि बीवी की तरफदारी करना भी भूल गए। फौजी, एक तो तुम पूरी बात सुनती नहीं हो और बोलना शुरू हो जाती हो। किस वक्त कहा था उसने आपसे ये सब? फौजी, अब सुबह में बात हुई है यार उससे। सुबह? सुबह तो आप मेरे सामने ऑफिस गए थे, फिर कशफ के झगड़े के बाद आप कमरे से बाहर ही निकले, तो किस वक्त मिली आपसे ये? एक तो फौजी, तुम बात की खाल निकाल देती हो। छोड़ो इस बात को, उस बेचारी ने अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ रकम उधार ली है, हम वो रकम उसे दे देते हैं ना। एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी मैं, सब झूठ बोल रही है, ये कर्जा वर्जा सब ड्रामा है। अच्छी तरह से जांच इस मक्कार लड़की को, आप इस मामले से बाहर निकले प्लीज। एक तो फौजियो, तुम बात को समझती नहीं। आमिर, मैं खुद देख रही हूँ उसको, आप अब इस मामले में नहीं पड़ेंगे। ऑफिस मिलने आई थी आपसे? देखो आमिर, झूठ मत बोलना मुझसे। एक तो फौजियो, तुम जो ना बात के पीछे पड़ जाती हो, ये सब छोड़ो बातों को, मुझे ये बताओ कि नवीद अब यहाँ क्यों है? अच्छा, तो ये ऑफिस मिलने आई थी आपसे? आप समझ रही मुझे, मैंने बताया था ना, नवीद भाई यहाँ पे अपने बिजनेस के सिलसिले में आए हैं, किसी क्लाइंट से मिलना है उन्हें। देखिए आमिर, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, हाँ, इससे अच्छा मौका हमें यहाँ से भागने का कभी नहीं मिलेगा। क्या कहना चाह रही हूँ मैं, समझा नहीं? मैं अपनी दुकानें बेच लूंगी, आप फैक्ट्री को बेचते हैं, सरमाया लेकर हम कनाडा चले जाएंगे। कसम से ये मौका बार बार नहीं आता जिंदगी में। अच्छा सही है, तुम्हारी सारी बातें समझ आ रही, लेकिन पीछे अम्मा अब्बा का क्या होगा? अब उनकी बेटी आ गई है ना, अब वो उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, आपका काम खत्म। हो, अब समझ आया मेरे कि तुम कशफ की इतनी तरफदारी क्यों कर रही थी। तुम बच्चों की तरह ना मुझे हर बात समझानी पड़ती है आपको। अब क्यों मुझे फोन कर रहे हो? मैं तो काबिल एतमाद ही नहीं, भरोसे के लायक ही नहीं, तो फिर?
भाभी, भाभी छोड़ क्या कर रही हो? छोड़े, छोड़े से क्या कर रही हो? मैं नहीं छोड़ूंगी इसे, मेरा शौहर छीनेगी नहीं। कुछ नहीं कर रही भाभी, वो आप क्यों जेल जाना चाहती हैं? क्यों मारना चाह रही हैं आप उसे? क्या हो गया आपको? क्या मैं यहाँ से निकलूंगी तो मैं सबको बताऊंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। I'm so sorry, वो पानी पानी सॉरी पानी पी ले प्लीज। इतने ये कर दिया, मैं माफी मांगती हूँ। इतने के लिए ध्यान दिखा दी। देखिए मुझे आपकी किसी बात से कोई गर्ज नहीं है, प्लीज रास्ता छोड़े मेरा। देखो कश्यप, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे ना, मेरे दिल से तकलीफ खत्म नहीं होगी। क्या हो गया आपको? आप क्यों पीछे पड़ गए मेरे? मैंने कहा ना मेरा रास्ता छोड़े। आमिर ये रखो, ये डॉक्टर अंसारी का कार्ड है। कार्ड के पीछे उन्होंने लिख दिया है कि रश होगा तो वो फिर भी वो डायरेक्ट बुला लेंगे। डॉक्टर लग तो काफी क्वालिफाइड रहा है। एक बार आप लोगों का विजिट जरूरी है, जादू है इनके हाथों में। अल्लाह करे ऐसे ही हो, ये बेचारे तो बिस्तर पर लेटे लेटे बिल्कुल बेजार हो चुके हैं। वैसे मुझे लगता है इसमें मेरा आधा दिन कम से कम लग जाएगा। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं चला जाता, लेकिन मेरे एक दोस्त ने आना है, एक ज़रूरी काम है, फ्लाइट है उसकी, वरना मैं उसको शाम का टाइम दे देता। आई एम सॉरी। नवीद भाई बहुत बड़ा एहसान होगा आपका हम सब पर। हाँ सर, मामू जान पे। बेचारे इतनी तकलीफ में है, वो दवाइयाँ खा खा के ना दिल भर गया है बेचारे का। अरे नहीं फौजिया, एहसान कैसा, अब तुम लोग तो मेरे रिश्तेदार हो ना, तुम्हारे अलावा और कौन है मेरा। अच्छा एक काम करते हैं माँ, आप और फौजिया मेरे साथ चलें, आप लोग बाद में वापस आ जाइएगा, मैं वहीं से ऑफिस चला जाऊंगा। नहीं मैं कैसे जा सकती हूँ, मतलब फिर शहरोज़ को कौन संभालेगा? तो पहले कौन देखता, तुम तो दिन भर घर में होती नहीं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं शहर सपाटों पे चली जाती हूँ, 100 काम होते हैं मुझे। आमिर मैं और कश्यप चलते हैं ना तुम्हारे साथ, वैसे भी फौजिया के साथ छोटा सा बच्चा है, उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जिसने भी जाना है डिसाइड कर ले, मैं 30 मिनट्स के बाद ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। आंटी ऐसा करें, आप शहरोज़ को देख लें और मैं और कश्यप चली जाएगी मामू जान के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये सही रहेगा, वैसे भी आप यहाँ हॉस्टल में रह के आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरे ख्याल से चलना चाहिए, मुझे भी 10 बजे मेरी मीटिंग। ठीक है। नवीद भाई लंच तो घर पे ही करेंगे ना आप? नहीं शायद नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि 2 बजे तक तुम लोगों को ज्वाइन कर लूँ, फिर मैं आता हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। देखो कश्यप, आई एम सॉरी। किस लिए? मेरी उन तमाम हरकतों के लिए जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंची और दुख हुआ, हालांकि सॉरी करने से उन गलतियों का अजाला नहीं हो सकता है और ना ही। देखिए आपको जो कहना है प्लीज जल्दी कहें, वैसे भी मुझे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। इन शॉर्ट तो मैं सॉरी कर चुका हूँ ना, लेकिन वो मेरी बहन ने मेरी मोहब्बत में जो आपके साथ ज्यादतियाँ की हैं ना, और मुझे आपके साथ ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश की, उसके लिए मैं प्लीज़ आप। हालांकि जब मैं यहाँ से वापस गया हूँ तो मैंने सोचा कि मैंने आप लोगों को बड़ी ज्यादती कर दी, सो बैड। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। अरे मेरी बात ख़त्म कहाँ हुई, अभी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए मुझे आपकी किसी बात से कोई गर्ज नहीं है, प्लीज़ रास्ता छोड़े मेरा। देखो कश्यप, अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे ना, मेरे दिल से तकलीफ ख़त्म नहीं होगी। क्या हो गया आपको? आप क्यों पीछे पड़ गए मेरे? मैंने कहा ना मेरा रास्ता छोड़े। इतना मतलब खुदा भी माफ़ करने वालों को माफ़ कर देता है, तुम इतनी संदिल कैसे हो सकती हो कश्यप, प्लीज आई एम सॉरी। मैं एक मामूली इंसान और मुझसे इस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत फजूल है, अब हटे मेरे आगे से।
बेटा जब मुझे महावेश ने ऑफिस में कॉल किया ना, तो मैंने तो एक भी मिनट नहीं वेट किया। फौरन घर पहुंची तो कश्यप अपना बैग और सामान लेके बस निकल रही थी। हुआ क्या है अम्मी, मुझे बताएं तो। बेटा मैंने तो मुलाजमों के सामने उसकी मिन्नतें की, इसको इतना समझाया कि बेटा इस तरह घर छोड़ के नहीं जाते, एहसन आ जाए, बात करते हैं आराम से बैठ कर। अगर उसको मेरी कोई बुरी बात लगी है तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, लेकिन उसने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। मॉम तो उसे गाड़ी तक रोकने के लिए भी गई, मैंने भी इतना रोका, फिर उसने हमारी एक नहीं सुनी, बल्कि मॉम को तो उसने काफ़ी कुछ सुनाया। क्या बातें लेके बैठ गई हो तुम, मैंने उसकी कोई भी बात का बुरा नहीं मनाया, तुम भी तो मुझे सुनाती रहती हो, मैं क्या कोई बुरा मानती हूँ? अरे बच्चे तो जज्बात में आकर बहुत कुछ कह देते हैं, तो क्या माएँ मुँह बिगाड़ कर बैठ जाती हैं? छोड़ो उस बात। गई कहाँ थी वो, कहाँ जा रही थी ये बता के गई आप? नहीं, ड्राइवर से पूछा था मैंने, वो कह रहा था वो उसको उसके वालदैन के घर छोड़ कर आया। बेटा बस ये सोच कर के जब तुम घर आओगे और उसको यहाँ नहीं पाओगे तो कितने अपसेट होगे, इसलिए मैं उसके घर गई थी। क्या आप वहाँ गई थी, क्यों अम्मी? तो बेटा और क्या करती मैं तो चाहती हूँ कि बस किसी तरह भी मेरे बेटे का घर जुड़ा रहे, टूटे ना। वो बेशक तुम्हें मेरे बारे में सच झूठ सुनाती रहे, लेकिन मैं पहले भी खामोश रही हूँ और रहूँगी, सब्र करूँगी मैं। और भाई कश्यप भाभी ने वापस आने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने मामा की इतनी इंसल्ट भी की है कि मामा ही असल फसाद की जड़ है और ये आपका घर कभी नहीं बसने देंगे। महविश तुम तो चुप रहो, मैंने उसकी कोई बात का बिल्कुल बुरा नहीं मनाया, बस थोड़ा सा मुझे अपसेट में ज़रूर हुई क्योंकि वो अपने घर वालों और उस गेस्ट नवीद के सामने सब कुछ कह रही थी, अगर मुझे अकेले में कह देती। क्या कहा आपने, कौन था वहाँ? वो पता नहीं, शायद उसकी भाभी का कोई कज़न नवीद, हाँ यही नाम ले रही थी वो। जीत रहा बेटा, जीत रहा। वैसे पहले से खासा आराम है, इसकी दवाएं अच्छी हैं, अच्छा डॉक्टर है। तभी आप इतने दिनों से बिस्तर पर पड़े हैं और हिल नहीं रहे, सबको मुसीबत में डाल रखा है आपने। किसी के पास इतना फारिग टाइम नहीं होता है अब्बा कि हर वक्त आपकी खिदमत के लिए हाजिर रहे वो यहाँ पे। बहुत से काम होते हैं, अगर आप चलने फिरने लगेंगे तो कम से कम हमारी ये ड्यूटी तो खत्म होगी, और आपके बहाने भी कि आपको कोई पूछता नहीं है। भाई अब आप अबू से किस तरह से बात कर रहे हो? कशफ मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, ये सारी मुसीबत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। मैं जानती हूँ आपके दिल से अभी मेरे लिए मेल साफ नहीं हुआ, आपको जो कहना आप मुझे कहने, लेकिन अब प्लीज कशफ। आमिर किस तरह से बात कर रहे हो तुम, मैं कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरी बेटी से इस तरह से बात करो। सुभान अल्लाह, मेरी बेटी, क्या बात है अब्बा, क्या चेंज आया है? और मैं क्या हूं अब्बा, राह से गुजरता हुआ कोई राहगीर? खामखामे मैं इतने महीने आपके पीछे ख्वार होता रहा हूं। बाहर आ जाइए, मैं वेट कर रहा हूं आपका गाड़ी में। सर, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, आपको डॉक्टर साहब बुलाने प्लीज आ। श्योर मैं आ रहा हूँ। पहुँचिए तुम, दो मिनट रुको, मैं डॉक्टर की बात सुनकर आता हूँ। आमिर पता नहीं अचानक से मुझे चक्कर क्यों आने लग गए हैं, दो घंटे हमने वहाँ वेट किया, अब और मजीद कितना वेट कर सकती हूँ मैं। अच्छा तुम दो मिनट रुको ना, बात सुनकर आता हूँ मैं डॉक्टर। कशिप पता नहीं मुझे अचानक से घबराहट क्यों होने लग गई, अंधेरा सा आ रहा है मेरी आंखों के सामने। क्या क्या हो गया भाभी आप? क्या क्या होगा? पानी पानी पानी
मैं अभी लेकर आती हूँ पानी। मैं अभी फौजिया, फौजिया, अरे कश्यप बेटा, अबे ये फौजिया, प्रेशर लो था शायद, ड्रॉप हो गया था या कुछ और। मैं अभी डॉक्टर को आपको चेक करवाती हूँ। अब्बू कहाँ है? मामू यही तो थी उनकी व्हील चेयर। आमिर भाई रह गए होंगे। हाँ भाभी आप उठे। हाँ आवाज आई थी मुझे, आवाज आई थी मुझे व्हील चेयर। चलो भाई चलो। आमिर पुकारा था आपने मुझे ना, मुझे याद नहीं है मेरा सर। अरे छोड़ो, चलो चलें, देर हो रही है, मुझे ऑफिस पहुंचना, बहुत फोन आ रहा है ऑफिस से। अब्बू को आप गाड़ी में बिठाए? अब्बू को बिठाया हूं, मैं तो डॉक्टर के पास था ना, उन्होंने एक घंटा लगा दिया। अब्बू कहाँ है? क्या मतलब अब्बू कहाँ है? तुम लोगों के साथ तो छोड़कर गया था मैं अब्बा को। कहाँ है फौजी अब्बा? हाँ कहाँ है मामू जान, कहाँ है? उससे छुपकर जा रही थी। आंटी जी मुझे अभी जाने दें, मैं बाद में आपको सब कुछ बता दूंगी। देखो बेटा, तुम्हारे और फौजिया के दरमियान जो झगड़ा चल रहा है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन इस तरह से मैं तुम्हें घर से नहीं जाने दूंगी, अच्छा नहीं लगता बेटा। प्लीज आंटी मुझे जाना है यहाँ से अभी, और देख लें मैं यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर जा रही हूँ, सब कुछ यही है, मैं कुछ भी नहीं लेकर जा रही यहाँ से। बहुत कुछ लेकर जा रही हो तुम जी, बहुत कीमती चीज है, हमारी मोहब्बत, हमारा खुलूस, हमारा एतमाद, हमारा भरोसा, ये बहुत कीमती चीजें होती हैं, निहायत अनमोल। तुम आई यहां पे अपनी मर्जी से थी, जाओगी हमारी मर्जी से। टंकी जी प्लीज, देखो शेरोज रो रहा है, जाके उसके लिए दूध बना के लाओ ना, तुम्हारा बैग में रख दूं। तुमसे कुछ कह रहे हो रोज, जाओ बेटा। सर आज 7 तारीख है सर, आप 7 तारीख को कहीं जाते हैं, आपने मुझे ताकीद की थी कि हर महीने की 7 तारीख को आपको याद करा दिया करूं कि आपको कहीं किसी हॉस्पिटल जाना होता है। याद है मैं सर, जाना भी है, अगर एक मसला है। मसला? कैसा मसला सर? कुछ नहीं, ऐसा होता है सर, मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि इंसान जब किसी नेकी का पुख्ता इरादा कर ले तो शैतान उसे ऐसी मुश्किल सोचों में उलझा देता है कि उसे लगता है कि वो फैसला फौरी तवज्जो तलब है, लेकिन अगर इंसान उस फौरी और मुश्किल फैसले को कुछ वक्त के लिए टाल दे और नेकी के काम को तरजीह दे तो अल्लाह भी उसकी मदद करता है और उसकी मुश्किल हल हो जाती है। कोई एक काम तुम जो है ना जिम्मेदारी से नहीं कर सकती। अब्बा को तुम्हारे पास छोड़कर गया था ना, कितनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया तुमने। मैं तो यही थी, वो फौजिया भाभी को पूछा, अस्पताल में लोगों से पूछा, नर्सों से, डॉक्टर से। अरे हाँ बाबा, सबसे पूछा है, किसी को कुछ नहीं मालूम। तो समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े हॉस्पिटल में अब्बा को कौन कैसे और कहाँ ले जा सकता है। वो क्या पता वो घर चले गए हो मामू जान। क्या बात कर रही हो फौजिया, पागल हो गई हो? अब्बा खुद घर कैसे जा सकते हैं? फोन करके पूछ ले ना आप। नहीं फोन नहीं कर सकते, अम्मा परेशान, मेरे ख्याल में
हमें खुद घर जाके चेक कर लेना चाहिए। भाई मैं एक आखिरी बार जाके ढूंढा हूँ अब्बू को। मैं क्या झक मार कर आया हूँ? मैं भी यही सब कुछ करके आया हूँ, पूरा हॉस्पिटल में देख कर आया हूँ यार। सबसे पूछ लिया, किसी को अब्बा के बारे में नहीं मालूम। 5 मिनट के लिए अब्बा को तुम्हारे पास छोड़कर गया था, तुम सो रही थी उस वक्त जब अब्बा। खैर मेरे ख्याल में फौजिया हमें घर चलना चाहिए। मैंने हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को बोल दिया है कि उन्हें अब्बा के बारे में कुछ भी पता चले वो मुझे फौरन फोन करे, तो हम घर चलते हैं। भाई अम्मी को क्या कहेंगे? अम्मी तो। अरे हाँ बाबा, जो भी होगा देखा जाएगा। तुम दोनों को घर छोड़कर मैं दोबारा वापस हॉस्पिटल आता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। शहरोज ने रो रो के सबको घर में तंग किया होगा, है ना? चलो। झूठा मकार शख्स ये छोड़ के आया था मुझे पान खाने। इसने हमारे पूरे घर को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम क्या समझे थे हा? हम इतने घटिया और इतने बेगैरत हैं कि तुम हमारे बाप के साथ कुछ भी करते रहोगे और हम तुम्हें ऐसे ही यूं जाने देंगे? हा? बताओ बताओ क्या दुश्मनी थी मेरे बाप से तुम्हारी? ये भी देखो और शर्म से डूब मरो। 3 डिफरेंट लड़कियां, 3 डिफरेंट रेस्टोरेंट और तुम मुझसे झगड़े का ड्रामा करके बाहर इनके साथ मुंह काला करने जाते थे। हेलो कॉल यू। जाने से पहले अपना ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट साथ ले जाओ जो तुमने शादी से पहले अम्मी के साथ साइन किया था।